हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हियर वी आर विद बुक ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक, कंप्यूटर फॉर क्लास टू, CBSE पैटर्न। एंड हियर वी आर विद चैप्टर नंबर टू, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं। टॉपिक्स कवर्ड, क्या हम इसमें कवर करेंगे, क्या पढ़ेंगे? यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल, इन ऑफिस, इन बैंक, एट होम, एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, इन हॉस्पिटल, इन एंटरटेनमेंट, इन डिजाइनिंग, इन डिफेंस एंड रिसर्च। दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर फॉर न्यू बिगिनर्स, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। दीज ऑल आर इन पिक्टोरियल फॉर्म्स, आपको पिक्चर के माध्यम से बताया तो बच्चा क्या होता है इससे ज़्यादा जल्दी, अगर आपका कोई वीडियो है या कोई पिक्चर है तो उससे क्या उसकी लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। सो हाई चिल्ड्रन, यू नो दैट अ कंप्यूटर कैन डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कंप्यूटर बहुत तरह के काम करता है। That is why computers are used in different places for different purposes. तो इसी के लिए कंप्यूटर अलग अलग जगहों पर अलग अलग उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है या यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग। डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव हर्ड फेरी टेल्स। तो क्या प्यारे दोस्तों, आप जानते हो, आप लोग सबने क्या है, फेरी टेल्स, परी कथाएं सुनी होंगी। इन सच स्टोरीज द फेरी हैज अ मैजिक वैंड इन हर हैंड एंड सी कैन डू एनीथिंग बाय यूजिंग दैट वैंड। तो इस तरह कहानी में क्या होता है, जो परी होती है, फेरी होती है, उसके हाथ में क्या होता है, जादू की छड़ी होती है, मैजिक वैंड मतलब जादू की छड़ी, और वो क्या करती है, उससे कुछ भी कर सकती है, उसको यूज करके घुमाती है छड़ी को और उससे वो जो कहती है वो कर देती है। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड अ कंप्यूटर एक्ट्स नो लेस देन अ मैजिक वैंड। और जो मौजूदा समय है, प्रेजेंट वर्ड, आज का समय है, आज का संसार है, उसमें कंप्यूटर भी कह रहे हैं एक जादुई छड़ी से कम नहीं है, वैसा ही काम करता है। यू कैन डू मैनी थिंग्स विद दिस वंडरफुल मशीन। आप इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही शानदार मशीन है, इस शानदार मशीन से आप भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेट अस स्टडी द यूज ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट प्लेसेस। चलो देखते हैं अलग अलग जगहों पर कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग है। कंप्यूटर्स इन स्कूल, स्कूल में कंप्यूटर, कंप्यूटर्स आर यूज इन स्कूल फॉर, देखिए आपको दिखा रखा है, टीचिंग, पढ़ाने के लिए टीचर आराम से समझा रही है, बच्चे बैठे अटेंटिव होकर कर रहे हैं काम, सीख रहे हैं। लर्निंग एंड स्टडिंग लैब, अगर कोई लैब है, लैंग्वेज लैब है या कुछ कंप्यूटर की लैब है, वहाँ बच्चे यहाँ पर खुद ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और लर्निंग सीख रहे हैं। सेंडिंग रिपोर्ट्स एंड सर्कुलर्स टू स्टूडेंट, बच्चों को उनके रिपोर्ट्स मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी रही है, कैसे पढ़ाई में, उनके माता पिताओं को, और कोई सर्कुलर है, कोई मैसेज पास करना है तो कंप्यूटर की मदद से। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फीस, आपने कौन कौन से सेमेस्टर की फीस भरी, आपने कौन कौन से क्वार्टरली बेसिस पे फीस भरी, उसका पूरा रिकॉर्ड, पूरा लेखा जोखा आपको इधर मिल जाएगा। प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, आपको इधर टीचर रिजल्ट बनाते हुए, कैसे रिजल्ट बनाया जा रहा है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, में किताबों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, अगर किसी बच्चे ने लिया उसके नाम पर एंट्री हो जाएगी, जब वो जमा करेगा तो उसकी एंट्री डिलीट हो जाएगी, इससे पता लगेगा किस बच्चे पे क्या किताब है। प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर के लिए क्वेश्चन पेपर है। नाउ एक्टिविटी ट्रिप जो कह रही है वो, आस्क योर टीचर टू शो यू सम एजुकेशनल गेम्स ऑन द कंप्यूटर। आप अपने टीचर से कह सकते हैं कि कुछ उनको एजुकेशनल गेम्स दिखाए जाए कंप्यूटर में। तो ये किसके हुआ, इंटरनेट की मदद से, अगर इंटरनेट है तो यू इजीली फाइंड आउट द एजुकेशनल गेम्स। नाउ कंप्यूटर्स इन ऑफिस, कार्यालय में कंप्यूटर्स, क्या उनका उपयोग होता देखते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑफिस फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये टाइपिंग, टाइप करने के लिए और उनका प्रिंट आउट निकालने के लिए, डॉक्यूमेंट कागजातों का। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज, पूरे जो कामगार हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। सेंडिंग एंड रिसीविंग ई मेल्स, तो इलेक्ट्रिक जनरेट जो मेल्स होते हैं, जैसे पत्र हमें पहले डाकिया लेके आता था, आजकल वो कंप्यूटर से ही सब चीज़ें आती हैं, तो रिसीव करना और किसी को भेजना। तो इधर पे एक्टिविटी टिप में क्या, आस्क योर फादर टू शो यू फॉर व्हाट पर्पसेस ही यूज ए कंप्यूटर इन ऑफिस। अपने पिताजी से आपने पूछना है कि वो कौन से उद्देश्य के लिए कंप्यूटर अपने ऑफिस में यूज करते हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं उससे, ठीक है। नाउ कंप्यूटर्स इन बैंक, बैंक में जो आप जाते हैं उधर क्या होता है, कंप्यूटर यूज इन बैंक फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम। आपने ऑटो टेलर मशीन देखी होगी, मशीन जिससे पैसा निकलता है, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर, आप इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर फीड करते हैं और आपको उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ मनी, यहाँ पर ये आप अकाउंटेंट्स के पास गए हैं, वो क्या कर रहा है, आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा है, आपकी रिकॉर्ड रख रहा है मनी का, ठीक। कैशियर जो होता है वो पैसा देता है, अकाउंट का जो अकाउंट ही होता है वो क्या करता है, आपका पैसा का लेके, जो मेंटेनिंग अकाउंट, कस्टमर, कस्टमर जो उपभोक्ता है उनका मेंटेन करना,
ठीक है, किस तरीके से अकाउंट का, कंप्यूटर से एट होम, घर में क्या काम है कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज्ड एट होम फॉर प्लेइंग गेम, देखिए गेम खेलते बच्चा दिखाई दे रहा है, वॉचिंग मूवीज पिक्चर देखते हुए, मेंटेनिंग मंथली एक्सपेंसेस, महीने भर का क्या खर्चा हुआ वो आप एक्सेल में या पावर पॉइंट में अपनी सीट बना के काम कर सकते हैं, लिसनिंग टू सॉन्ग्स गाने सुनना, डूइंग होमवर्क काम करना, कोई होमवर्क है कोई पावर पॉइंट में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नाउ एक्टिविटी टिप, क्या आपको कोई गतिविधि दी क्या वो है, आस्क योर पेरेंट टू शो यू आर कार्टून सी डी ऑन अ कंप्यूटर, आप अपने बच्चे, आपको बच्चा कह रहा है पिताजी लोगों से अपने माता अभिभावक से कि उसे कार्टून की सी डी कंप्यूटर में दिखाई जाए, नाउ कंप्यूटर रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में भी आपने कंप्यूटर देखे, देखिए यहाँ क्या होता है, रिजर्वेशन कंप्यूटर यूज फॉर, किस लिए यूज किए जाते हैं, किस लिए इस्तेमाल होता है, रिजर्वेशन जो आरक्षण होता है और कैंसिल निरस्तीकरण उसको कैंसिल करें टिकट्स का, ठीक है, आपने भी कई बार गए यात्रा करी होगी तो आपने पक्का करवाया होगा ये रेलवे स्टेशन काउंटर पर, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल डिपार्चर ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, तो वो ट्रेन्स और जो फ्लाइट्स हवाई जहाज जो आ रहे जा रहे उनके आने का और जाने का भी रिकॉर्ड रखना है, तो ये आपने इधर इसी तरीके से एयरलाइन से टिकट बुकिंग कराए होंगे कैंसिल कराए होंगे और आपको टाइम टेबल आते रहता है कि कब कौन सी फ्लाइट है या कोई कैंसिल हो गई, तो कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल अस्पतालों में कभी यूज इन फॉर, किस लिए यूज किए जाते हैं, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, डायग्नोजिंग द डिजीज, डिजीज के बारे में डायग्नो पढ़ने के, प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है, नाउ अपडेट योर नॉलेज, नाउ अ डेज डॉक्टर परफॉर्म मैनी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही संवेदनशील ऑपरेशन करना तो वो कंप्यूटर यूज, आजकल क्या आप कई चीजें आपको मेडिकल डॉक्टर कैसे पूछना है तो आप मोबाइल से भी पूछ लेते हैं, तो इसीलिए अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है तो ये सारी चीज़ें बहुत, क्योंकि रिकॉर्ड रखना, पेशेंट को देखना, उनको डायग्नोस करना डिजीज़ के बारे में, तो ये सारी चीज़ें भी उनको मॉनिटर करना कंप्यूटर में हॉस्पिटल में काम हो रहे हैं। कंप्यूटर्स इन एंटरटेनमेंट, मनोरंजन में क्या कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर यूज इन एंटरटेनमेंट और मनोरंजन के लिए क्या, प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलते हुए, मेकिंग ड्राइंग, ड्राइंग बना रहे, पेंट एक एप्लीकेशन होती है उसमें आप ड्राइंग बना रहे, वॉचिंग एंड मेकिंग कार्टून, देखना भी और कार्टून कैसे बनते हैं ये भी आपको बताया जा रहा है। नाउ कंप्यूटर्स इन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग जो बड़े इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, ठीक है, कोई कपड़ों के डिजाइनर होते हैं, घरों के डिजाइनर होते हैं, उनको ये क्या कर रहे हैं, बाय आर्किटेक्ट इन डिजाइनिंग बिल्डिंग्स, अगर कोई आर्किटेक्ट है वास्तु शिल्पकार है तो वो घर बनाने के लिए क्या उसका बिल्डिंग का डिजाइन बनाएगा, बाय डिजाइनर इन डिजाइनिंग क्लोथ एंड और क्लोथ और ज्वेलरी के भी डिजाइन कंप्यूटर में, इन डिजाइनिंग कार्स, और जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो कार और एरोप्लेन का डिजाइन भी कंप्यूटर में बनाते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, द बुक यू आर रीडिंग इज ऑल्सो डिजाइन विद द हेल्प ऑफ, जो किताब आप पढ़ रहे हो ये किताब भी एक कंप्यूटर के द्वारा ही डिजाइन की गई है, यानी बनाई गई है, सजाई गई है, ठीक है। कंप्यूटर्स इन डिफेंस एंड रिसर्च, तो इसका जो हमारी रक्षा और अनुसंधान में क्या उपयोग है, कंप्यूटर यूज इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च, तो हमारे जो रक्षा विभाग है और जो हमारे अनुसंधान रिसर्च DRDO है वो इसीलिए है, डूइंग रिसर्च, साइंटिस्ट इसमें रिसर्च करते हैं, गतिविधियां देखते हैं, लॉन्चिंग एंड कंट्रोलिंग, सैटेलाइट जो लॉन्च होती है, ठीक है, अलग अलग स्टेशन है वहाँ से सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में भेजी जाती है, आजकल हमें मौसम के बारे में पता लग जाता है, कोई बाढ़ तूफान आने उसके बारे में पता लगता है, सब किसकी मदद से, कंप्यूटर से ही वो सब कंट्रोल में होता है। सेल्फ एवोल्यूशन, अब आपने क्या आकलन करना है अपना, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आई नो दीज पॉइंट्स, मैंने ये चैप्टर पढ़ के मुझे क्या क्या चीज़ें मालूम चली, एग्री और डिसएग्री, इससे आप सहमत हो या असहमत हो, आई नो दैट कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट, मुझे पता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग उद्देश्य के लिए कंप्यूटर यूज किया जाता है, बिल्कुल एग्री हूँ, आई नो दैट कंप्यूटर यूज्ड इन स्कूल फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए लगा है, ठीक है, आई नो दैट कंप्यूटर यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, सेंड और रिसीविंग ईमेल मैसेजेस, तो इसमें भी क्या है, मैं सही है, ट्रिप टाइप के लिए भी होता है, प्रिंट के लिए भी होता है, और कहीं रिसीव और भेजने के लिए आपका कौन ईमेल, आई नो दैट बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मुझे पता है बैंक में अकाउंट का रिकॉर्ड भी इसी के द्वारा कंप्यूटर द्वारा मेंटेन किया जाता है, आई हैव लर्न दैट कैन हेल्प इन डिजाइनिंग बुक्स, डिजाइन कंप्यूटर जैसा आपको बताया, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, नाउ यू इजीली गो थ्रू विद द चैप्टर, अब आपको पता लगे चैप्टर के अंदर के आपको मैंने एक एक शब्द ब्रीफ कर दिया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो यू कैन ईजिली मेक यूर सेल्फ एक्सरसाइजेस, ठीक है, खुद करोगे तो आप ज़्यादा अभ्यस्त होगे, अदरवाइज इफ यू नीड एनी हेल्प देन कमेंट, मैं आपको सॉल्व करके भी एक्सरसाइज डाल दूंगा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।